आज हम हिंदी व्याकरण में संधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या एक, देखिए कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है, तो कौन सी है, गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि या व्यंजन संधि, कौन सी है, हम इसका विग्रह करके देख लेते हैं। कल्प प्लस अंत, तो यहाँ पर भी हमारा क्या है, प में क्या मिला हुआ है, अ, और इधर भी क्या है, अ, ये दोनों मिलाकर क्या बन गए, प्लस होकर दीर्घ आ, तो कौन सी होगी, कल्पांत दीर्घ संधि, ठीक है। प्रश्न संख्या एक का उत्तर है हमारा सी। प्रश्न संख्या दो देखिए, अपेक्षते का सही संधि विच्छेद क्या है, ए अपिप्लक्षते, बी अपइक्षते, सी अपि प्लस इक्षते या डी अपि प्लस इक्षते, तो क्या होगा। अपि प्लस इक्षते का हम संधि विच्छेद करके देख लेते हैं, छोटी की मात्रा है, बन जाती है जब हम इसको ऐसे विग्रह करते हैं, और क्या हो जाएगा, इक्षते, तो हमारा कौन सा होगा यहाँ पर, ये होगा डी। प्रश्न संख्या दो का उत्तर डी। अब इसमें हम देख लेते हैं संधि का कौन सा भेद है, यहाँ पर क्या है ई, प पर ई है और यहाँ पर भी ई, जब दोनों को मिलाया क्या बन गया, दीर्घ ई, तो कौन सी है, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। संख्या तीन देखिए, नेतत में संधि विच्छेद होगा क्या होगा, न प्लस एतत, बी न प्लस एतत, सी न प्लस एतत, डी न प्लस इतत, कौन सा होगा, इसमें ऑप्शन है हमारा ए, न प्लस एतत। अब इसमें संधि का भेद देख लेते हैं कौन सा है, न प्लस एतत, ठीक है। यहाँ पर न में क्या छुपा हुआ है स्वर, अ, और यहाँ पर ये अपने आप में दीर्घ स्वर है, ठीक है। और जब ये दीर्घ स्वर है, या मतलब किसके बाद, अ, अ के बाद अगर क्या है, इस तरह के स्वर आए ए, तो ये क्या हो जाते हैं, दीर्घ ही हो जाते हैं, ये दीर्घ ही बन जाता है, जैसे ये बना हुआ है यही बन जाएगा ये, ठीक है। मतलब न आ के बाद अगर कोई इस तरह का स्वर आए तो ये दीर्घ ऐसा ही बन जाएगा, ठीक है। जैसे आ या आ के बाद क्या आए, ए आए या ए आए, ठीक है, क्या बन जाएगा, दीर्घ ए ही बन जाएगा, ये भले ये आए, मतलब अ आ के बाद ये वाले स्वर आए, इसके अ या आ के बाद इनमें ये स्वर आए, तो क्या बन जाएगा, ये ए ही बन जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी, वृद्धि संधि का नियम है। संख्या चार देखिए, महेश्वरीय में कौन सी संधि है, कौन सी, वृद्धि संधि, यण संधि, दीर्घ संधि या गुण संधि, हम इसका विग्रह करके देख लेते हैं कौन सी, महा प्लस ऐश्वर्य, ठीक है, महा प्लस ऐश्वर्य इसका विग्रह होगा ऐसे, ठीक है।